अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरे किसी भी अपडेट्स को आप मिस मत कीजिए। चलिए दोस्तों, आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मोटो E4 प्लस, जो मैंने लोकल स्टोर से 9000 रुपीज़ में ख़रीदा है। आप लोग चाहे तो ऑनलाइन में भी अवेलेबल हैं। इसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। लिटरली कहा जाए तो ये पहले ही अनबॉक्स है, क्योंकि वो बिना अनबॉक्स के आप लोकल शॉप से नहीं ला सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर इस बॉक्स को ओपन करते ही आपको पहली नज़र हैंडसेट पर ही पड़ेगी, जो है मोटो E4 प्लस। थोड़ी हेवी 5.2 इंच का HD डिस्प्ले है इसके अंदर। चलिए यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की ओर एक नज़र डालते हैं। 13.97 सेंटीमीटर HD स्क्रीन और 10 वाट रैपिड चार्ज और 13 एम्पीयर 5 MP फ्लैश दी गई है। तो ये कोई नई फीचर वाली फ़ोन नहीं है, लेकिन आप लोग बड़ी बैटरी वाली फ़ोन चाहते हैं जो एक दिन का भी आपको बैटरी बैकअप दे, तो आपके लिए ये फ़ोन बनी है। तो चलिए फ़ोन को साइड में रखते हैं। चलिए और क्या क्या इसके अंदर दी गई हैं। यहाँ पर ये हेलो मोटो का कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 10 वाट का जो सुपर चार्जिंग हम कह सकते हैं वो चार्जर यहाँ पर दी गई है हमें, और USB टू नॉर्मल USB टू मोबाइल पर कनेक्ट होने वाली USB वायर, और उसके साथ जो है जो आप ज़िंदगी में भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं उस टाइप का एक ईयरफोन दी गई है। ये कवर कंपनी की तरफ से नहीं आई है, शॉप वालों ने गिफ्ट दिया है ये बैक कवर। तो चलिए आपको 50 रुपये तो बच गए। तो इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दी गई हैं। पहले तो छोटे छोटे फ़ोन के लिए भी बड़े बड़े बुक्स आया करते थे, लेकिन आज बड़े बड़े फ़ोन के लिए भी छोटे छोटे हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें कोई नहीं पढ़ता। सेफ्टी रेगुलेटरी लीगल कुछ यहाँ पर दी गई हैं। SAR वैल्यू, SAR वैल्यू, हेड SAR यहाँ पर 0.5 वैट पर KG और बॉडी वोर SAR 0.914। ब्लूटूथ वाईफाई सब का मिलकर आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो सेटिंग्स, लीगल इंफॉर्मेशन, RF इंफॉर्मेशन में भी आप इसे अपने फ़ोन के अंदर ही देख सकते हैं। तो इसके ज़्यादा यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं दी गई हैं, एक अच्छी पैकेज हम कह सकते हैं। इस फ़ोन की अगर प्लस पॉइंट में कहूँ तो एक ही है, जो है 5000 mAh की 10 वॉट चार्जर बैटरी। तो आप हेवी गेमर नहीं, नॉर्मल यूज़र हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो इसके ऊपर जो टेम्पर्ड ग्लास आप देख रहे हैं, इसे भी शॉप वालों ने ही डाल के दी है, यानी कि इसके अंदर ये नहीं आई थी, उस प्लास्टिक कवर प्लास्टिक का एक था इसके ऊपर। तो यहाँ पर बैक रिमूवेबल बैक कवर हैं, तो आप अपने इस बैक कवर को रिमूव कर सकते हैं इस फ़ोन के अंदर। यहाँ पर कुछ सील, इसे हम मेटल बैक या फिर प्लास्टिक कह सकते हैं। यहाँ पर आप अपने 13 MP की
कैमरा आप देख सकते हैं क्या, अटेंशन बैटरी इज नॉट यूजर रिमूवेबल, तो यहाँ पर आप बैटरी तो निकाल नहीं सकते अपने आप ही, चलिए रहने दीजिए, नहीं निकाल सकते तो नहीं निकाल सकते। तो सिम टू का ट्रे यहाँ है, सिम वन का ट्रे नीचे दिए गई हैं, माइक्रो एसडी का कार्ड ऊपर दी गई हैं। तो हमारे पास तो अभी माइक्रो एसडी कार्ड ही अवेलेबल हैं, यहाँ पर कुछ येलो टेप्स दी गई हैं। यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर ऊपर माइक्रो एसडी कार्ड इतना ही इंसर्ट कर सकते हैं। सिम वन जो है नीचे की ओर सिम वन डाल सकते हैं, दोनों ही सिम नैनो सिम मुझे लगते हैं। पीछे की ओर देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा ही एक्सपोज्ड है ये फ़ोन, यहाँ पर सारे के सारे स्क्रू जो हैं ऊपर ही दी गई है, और कैमरा के लिए एक बहुत बड़ी बम्प है जो मोटो का लोगो लगता है मुझे। चलिए अगले वीडियो में इसके फीचर्स और बेंचमार्किंग दूंगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद। तो चार्जर तो आप इस समय प्लास्टिक को फाड़ कर ही आप कट करके ही इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये रही हमारी एसी अडैप्टर जो है 10 वॉट्स की, मेड इन इंडिया, 5.2 वोल्ट और 2 एम्पियर्स करंट तो है, सुपर फास्ट चार्जिंग करेगी। इसे हम चार्जिंग टेस्ट में देख लेंगे नॉर्मल फोन और सुपर चार्जर के। तो यूएसबी स्टैंडर्ड साइज की यूएसबी दी गई है आपको, ये 60 सेंटीमीटर का वायर लगता है मुझे, वाइट कलर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।